तो रात को 3:30 बज रहे हैं, जस्ट फिनिश वॉचिंग द एंटायर वीडियो और भाई मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि इस वीडियो के अंदर मैंने इतनी सारी चीजें बताई है कि तुम्हें जेन्युइनली इसके अलावा किसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें नोट्स कैसे बनाने हैं उसका वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी कैसे रीड करना है वो मैंने बताया, लॉन्ग आंसर्स कैसे याद रखना है वो मैंने तुमको बताया, रटना जहां जहां पे वहां कैसे रटना है, एनसीईआरटी से नोट्स कैसे बनाना है, दूसरों के नोट्स कैसे रीड करने हैं, एग्जाम के अंदर याद कैसे करके जाना है, ज्योग्राफी की लोकेशंस कैसे याद करनी है, हिस्ट्री की डेट्स कैसे याद करनी है, मतलब एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो, चाहे वो रटना हो, समझना हो, याद करना हो या इंटरेस्ट डेवलप करना, वो सारी चीजें इस एक वीडियो के अंदर कवर्ड है। तो तुम्हें इसके अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये एक असली की मास्टर स्ट्रेटजी, तो इसको एंड तक जरूर देखना। तुम्हारे नंबर आने पक्के हैं, कोई नहीं छीन सकता, भगवान खुद नहीं छीन सकता तुम्हारा नंबर, क्योंकि नींद ही आती है और नींद ही आएगी, सिंपल सी बात है। पढ़ाना, आर्ट, ये सारी चीजें हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। इससे ज्यादा अच्छी, वेल रिफाइंड और वेल स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटजी सोशल साइंस के ऊपर कहीं भी नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। मुझे ना एक चीज पे 10 वीडियो बनाना पसंद नहीं है, मैं बस एक वीडियो बनाना चाहता हूं और इस एक वीडियो के अंदर इतनी सारी चीजें आने वाली हैं, इतनी सारी कि तुम लोगों को इससे ज्यादा किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इससे ज्यादा अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ रही है तो शायद तुम अपने आपके साथ में एक्सक्यूज बना रहे हो, हमें हिस्ट्री बोरिंग लग रही होती है। इस वीडियो के अंदर सोशल साइंस को पढ़ना कैसे है, क्यों है और इसके अंदर इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें, ऐसा नहीं कि बस तुमको बोल दो बेटा स्टोरी की तरह पढ़ लो, अरे स्टोरी की तरह कैसे पढ़ें, इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें, कैसे पढ़ना है से लेके एग्जाम में क्या करना है और पूरी की पूरी सोशल साइंस सब्जेक्ट को हमें कैसे लेके चलना है, इससे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और इससे ज्यादा डिटेलिंग वाली स्ट्रेटजी तुम्हें कहीं भी नहीं देखने को मिलने वाली। Alright, what's going on my lovely students out there? Welcome to Just Padlo. आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले सोशल साइंस की स्ट्रेटजी, ये सभी बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो भी सोशल साइंस पढ़ रहे हैं। तुम लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, इन चारों सब्जेक्ट्स को कैसे डील करना है बहुत ही सही तरीके से, वो मैं इस वीडियो के अंदर बताना, और ना सिर्फ इतना बताऊंगा कि यार इसके एनसीईआरटी रीड कर लो, इसके क्वेश्चंस पढ़ लो, उसके एक्चुअल उसका प्रोसेस क्या है, एनसीईआरटी रीड करने का तरीका क्या है, हम कैसे इस तरीके से पढ़े कि एग्जाम में हमको फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। इस वीडियो को ना सबसे पहले मैंने 3 सेक्शन से डिवाइड कर रखा है, पहला यह कि हम क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, दूसरा यह है कि सोशल साइंस पढ़ना क्यों है सारे पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पर्सपेक्टिव से और नॉर्मली हमें एज ह्यूमन क्यों पढ़ना है, तीसरा पढ़ना कैसे है और चौथा नंबर कैसे लाना है। ये सारी चीजें आज इसी एक वीडियो में कवर्ड है। इसी एक वीडियो के अंदर मैं तुम्हें नोट मेकिंग भी सिखाऊंगा, मैं तुम्हें एनसीईआरटी रीड करना भी सिखाऊंगा, मैं तुम्हें क्वेश्चन आंसर रीड करना भी सिखाऊंगा, मैं तुम्हें स्टोरी की तरह कैसे पढ़ना है वो भी सिखाऊंगा, मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि क्या नहीं करना और क्या करना है। तो ओवरऑल अगर ये वीडियो किसी ने देख लिया एंड तक तो उसको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं है और 10 वीडियो का काम अकेला वीडियो करने वाला है। तो ना सबसे पहले एक बार प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम हमारी है कि हमको सब्जेक्ट बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, मतलब हिस्ट्री पढ़ने बैठते तो इतना कंटाल आता है कि बस ये खत्म कब होगा, मतलब समझ में नहीं आता कि वो पता नहीं इतनी बोरिंग चीजें लिखी, कौन सा राजा महाराजा, किसकी किससे शादी हो रही, कौन मर गया, हमको इससे क्या करना, हमको क्यों पढ़ा रहे हो। दूसरी प्रॉब्लम, कुछ भी कर लो एग्जाम में नंबर कम ही आता है, मतलब हम कितना भी पढ़ के चले आए, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, इतनी बुक यहां से बुक, वो बुक, ये बुक, पूरी किताबें पढ़ ली, पोथी पढ़ पढ़ के चले गए, फिर भी नंबर कम ही आता, तो हमारा जो हमेशा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है ROI वो हमेशा कम होता है। तीसरी प्रॉब्लम, भैया हमको याद ही नहीं रहता कुछ, मतलब हम पढ़ के तो सब जा रहे हैं, हमने सारी तैयारी कर ली है, पर एग्जाम में जब लिखने जा रहे हैं ना तब दिमाग घूम जाता है, फट जाती है पेपर देख के, क्योंकि जो भी हमने पढ़ा हमको दिख रहा होता है कि यार ये पढ़ा है पर वो याद ही नहीं आ रहा होता कि ये कहां पढ़ा है, फिर चाहे वो डेट हो या चाहे कोई कॉन्सेप्चुअल आंसर हो, दिमाग तो खराब हो ही जाता है। तो ये जो स्ट्रेटजी इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, ये सालों साल चलने वाली स्ट्रेटजी, तो मैंने अपने टाइम पे यूज की, मैं जिसके कारण सोशल में इतने अच्छे नंबर लेके आया 10 में से 10, 9 और 10 दोनों में, उसके अलावा ये जो स्ट्रेटजी है ये वो स्ट्रेटजी सालों साल चलती भी आ रही है, पर इसमें एक मॉडर्न डे तड़का भी है। तो इस वीडियो के बिना, इस वीडियो के अंदर जो मैं चीजें बता रहा हूं वो टॉपर भी फॉलो करता है, और अगर वो चीजें फॉलो नहीं होती हैं तो वो इंसान टॉपर नहीं बन सकता है, इस बात की गारंटी है। तो अब आते हैं सेक्शन नंबर 1 पे कि भैया पढ़ना क्यों है, हमको जब सोशल साइंस इतनी बोरिंग लगती है, इतना बकवास लगता है, तो इसके अंदर इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें। अब आप बोल दो कि भैया जाओ स्टोरी की तरह पढ़ो, नहीं होता भैया, नहीं पढ़ा जाता है स्टोरी की तरह, दिमाग खराब होता है, एनसीईआरटी देख के नींद ही आती है और नींद ही आएगी, सिंपल सी बात है। तो मैं 3 चीजें बताता हूं। सबसे पहले SST में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, हमने जो आज तक बचपन से लेकर आज तक देखा है आसपास जीवन के अंदर, उसी चीज को किताब के फॉर्म में लिखा है। दूसरा, बस वो जो हमने आज तक देखा है ना उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना और थोड़ा सा लॉजिकल है। तीसरा, कुछ चीजें तो रटनी ही पड़ेगी, है ना, मैं तुमको वो ज्ञान नहीं दूंगा कि भैया सब समझ के जाओ वरना मत जाओ, देखो मेरी बात सुनो, इंसान को जब वो पेपर चेक कराता ना उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें ये चीज समझ में आई कि नहीं, उसको बस इस बात से फर्क पड़ता है कि तुमने वहां पर क्या लिखा है। तो क्या तुम्हें अपना ईगो सेटिस्फाई करना है कि मैं सिर्फ समझने के लिए ही पढ़ूंगा और बाकी नहीं पढ़ूंगा, या फिर तुम्हें एग्जाम के अंदर नंबर लाने, इन दोनों में से तुम एक कोई चीज डिसाइड कर लो। मुझे अपना ईगो सेटिस्फाई नहीं करना, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा मैं उसको एग्जाम के एक दिन पहले रट के जाऊंगा क्योंकि मुझे नंबर चाहिए पेपर के अंदर, मुझे वो महान आत्मा नहीं बनना है कि जिसको सब कुछ आ रहा होता है, सब कुछ समझ में आ रहा होता है। देखो समझना सब कुछ है, पर अगर कुछ नहीं आए तो हम उसको रट लेंगे, और वो कैसे रटना वो भी बताऊंगा। अब जो चीज मैं बताने वाला हूं ना, दैट विल चेंज योर परसेप्शन टोटली, मतलब ये चीज आपकी पूरी दुनिया बदल देगी सोशल साइंस के अराउंड। ये शायद ट्रिक आपने कभी सुनी होगी, भाई हमको SST बोरिंग लगता है,
क्यों? क्योंकि आज तक हम बस बच्चों की तरह पढ़ते आ रहे हैं, जो टीचर ने बता दे कि इसको जाके घर जाके रीड कर लो, वो रीड करने बैठ गए और बस छोड़ के आ गए। ऐसे नहीं होगा भाई। अब अगर सच्चे में भी एसएसटी में क्रैक मारना है ना, तो इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है, और यहां से आने वाला पूरा वीडियो सिर्फ तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ही बनाया गया है। तो भाई हमको हिस्ट्री बोरिंग लगती क्यों है जब वो कहानी है? तो भाई सेंसलेस टीवी सीरियल भी देखते हैं ना, अनुपमा भी देख रहे होते हो ना, तो अनुपमा तो वहां पे इंटरेस्ट आ जाता है। अगर वही चीज को मैं किताब के फॉर्म में दे देता तो तुमको आता इंटरेस्ट? नहीं आता। तो भाई उस टीवी सीरियल में इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? और ये जो असली की स्टोरीज है इतनी शानदार, बाहुबली भी देखे ना, आया ना इंटरेस्ट कि भल्लाल देव ने किसको मार दिया और बाहुबली ने किसको मार दिया और कटप्पा ने किसको मार दिया। जब वो नकली राजा महाराजाओं की स्टोरी पे इतना इंटरेस्ट आ रहा होता है, तो यहां पर जो असली स्टोरी दी, भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन असली में हुआ है, नेशनलिज्म इन इंडिया असली में हुई, ये सारी चीजें असली में हुई है, तो ये बोरिंग क्यों लगती है? इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन ये कि हमने आज तक इन चीजों को कहानी के फॉर्म में कभी देखा ही नहीं। हां भैया आप भी आ गए वही सारे यूट्यूबर्स की तरह बोलने की एसएसटी में इंटरेस्ट डेवलप करो। सारे टीचर ही बोलते कि एसएसटी में इंटरेस्ट, अरे इंटरेस्ट कहां से डेवलप करें भाई? नहीं आ रहा इंटरेस्ट हमको, क्या करना? कौन मर गया और कौन जिंदा हो गया? हमको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो इंटरेस्ट डेवलप कैसे करना है? नहीं आ रहा इंटरेस्ट स्टोरी की तरह से पढ़ने में भी। तो चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हें सॉल्यूशन बताऊंगा। तो पता है इसका सॉल्यूशन क्या? एक बार ना मैं ऐसे फोन स्क्रॉल कर रहा था और मुझे एक ऑडियो बुक दिखी। मैंने सोचा कि भाई ये तो चीज गेम बदल सकती है यार। मतलब ऑडियो बुक तुमने सुना होगा ना, ऑडियो बुक क्या होता है कि जो बुक होती है उसको पूरा का पूरा ऑडियो के फॉर्म में और बढ़िया तरीके से वोकल वोकल डाल के बनाया हुआ होता है, तो जो बुक बोरिंग लग रही होती है वो इंटरेस्टिंग बन जाती है और तुमको रीड नहीं करना होता, बस ईयरफोन्स लगा के सुन सकते हो। तो मैंने वैसे एक ऑडियो बुक देखी और मेरा दिमाग हिल गया भाई साहब। तब मुझे रियलाइज हुआ कि अगर इस चीज में इन्वेस्ट कर लिया ना तो भाई लाइफ बदल जाएगी। तो ये जो ऑडियो बुक था ना, इसका नाम था फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन नाम की बुक है और ये कुकू एफएम के ऊपर मुझे मिली थी। तो मैंने इसको सुना भाई और लगा क्या खतरनाक, मतलब इतने सही तरीके से समझ में और इतना बढ़िया इंटरेस्ट आया कि भाई मैंने तो कुकू एफएम पे और चीजें स्क्रॉल करना चालू कर दी। तो अपना कुकू एफएम के ऊपर टोटली 10,000 से भी ज्यादा बुक्स हैं, और जो हिस्ट्री के लिए मैं रिकमेंड करता हूं ऐसे तो बहुत सारी मिल जाएगी। एक फ्रेंच रेवोल्यूशन मैं रिकमेंड करता हूं, एक 10 डेज दैट शुक द वर्ल्ड, ये भी बहुत सही बुक है। एक डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर है, अंबेडकर्स इंडिया, जिन्होंने पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बनाया। मैंने आजकल ये ऑडियो बुक सुनने की आदत डाल ली, तो मैं क्या करता हूं कुकू एफएम चालू करता हूं, कान में लगाता हूं ईयरफोन्स और सोते टाइम सोता मतलब सुनने चालू कर देता हूं, तो मेरी नींद भी अच्छी आ जाती है और फिर मुझे सुना भी जाता और फिर मेरा जो स्क्रीन टाइम है ना वो भी कम हो जाता है। तो भाई फिर क्या था, मैंने कुकू एफएम पे देखा, फिर मैं कुकू एफएम वालों के पास पहुंच गया। मैं लेजिट मतलब मैंने उनको बोला कि यार तुम्हारा वैसे ही बहुत सस्ता सब्सक्रिप्शन है, 399 का है कुछ साल भर का, पर मैं तो हर जगह डिस्काउंट लेने पहुंच जाता हूं। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा देखो हमारे बच्चे हैं ठीक है, अपना बढ़िया सा चैनल है और इसके ऊपर ना बहुत तगड़े बच्चे, तो मुझे ना इनके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए। देखो मैं डिस्काउंट तो सब जगह मांगने चला था, मतलब चाहे वो सब्जी मंडी हो या चाहे कोई ऑडियो बुक का प्लेटफॉर्म, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे डिस्काउंट लेके आना है। तो मैंने उनको बात की और उन्होंने बोला कि यार देखो आप लोगों की जो ऑडियंस है, मतलब उन्होंने मुझे बोला कि आपकी जो ऑडियंस है बहुत ही ज्यादा यंग है और इनका बेटरमेंट हम बहुत ज्यादा अच्छे चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, ये जो ऑलरेडी 399 का, इसके ऊपर हम 50% और डिस्काउंट देते हैं। तो उन्होंने बढ़िया सा अपने लिए कूपन कोड बना के दिया, जस्ट पढ़ ले 50। तो अगर आप कुकू एफएम पे जाते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करके कूपन कोड यूज करते हो, तो जो 399 का सब्सक्रिप्शन है आपको 199 का पड़ जाएगा। मतलब भाई लेजिट एक पिज्जा से भी कम की कॉस्ट में आपको ये चीज देखने को मिल रही है, और मैं हाईली रिकमेंड करता हूं अगर तुम मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा करते हो ना कि प्रणय भैया जो बोल रहे हो सही है, तो ये चीज को ऑप्ट कर लो भाई। मतलब साल भर में तुम कितनी किताबें पढ़ सकते हो, और मैं तुमको ये नहीं कहता कि रोज सुनो, पर एटलीस्ट तुम्हारे पास में एक प्लेटफॉर्म तो रहेगा जहां पर तुम जाके सुन के एक्चुअल ज्ञान ले सकते हो, वरना सोशल मीडिया पे तो टाइम ही वेस्ट कर रहे हो ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, प्लीज गो चेक इट आउट ठीक है। अब वैसे भी 199 अगर तुम पिज्जा खा ले तो उसका क्या ही कर लो ना, पिज्जा तो पता नहीं अगले दिन खा निकल जाएगा, पर ये जो चीज है ना ये तुम्हें जीवन भर काम आने वाली है, और एक साल मतलब कम ऑन यार। अब आते हैं भैया नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जो कि है पढ़ना कैसे है। मतलब अभी हमने इंटरेस्ट डेवलप कर लिया, अब हम एक्चुअल एग्जाम में प्रिपेयर करने के लिए कैसे हमारी प्रिपरेशन को आगे लेके चलेंगे ठीक है। तो सबसे पहली चीज, हमें फ्लो मेथड का इस्तेमाल करना है। जो मैं शीट हर वीडियो के अंदर चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं ना, वो चिल्ला चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो अपने आप में एक होलसम स्ट्रेटजी है। वो एक एक्सेल शीट अगर तुमने खोल के देख लेना तो वहां पर पूरी स्ट्रेटजी बनी हुई है ठीक है, जो तुम बार बार देखते रहते हो ना। यहाँ पर नोट्स पर टिक मार दिया तुमने ठीक है, तुम्हारे मान लो रीडिंग हो गई तो वहां पर टिक मार दिया, तुम्हारे पीवाईक्यूज हो गए वहां पर टिक मार दिया। तो जो तो जब तुम टिक मारते जाओगे ना, तो जो सेटिस्फेक्शन आता है, जो डोपामिन रिलीज होता है ना, जो मतलब तुम्हारे अंदर के सारे हॉर्मोन्स खुश हो जाते हैं, वो खुशी नेक्स्ट लेवल होती है। तो वो अगेन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्रिंट आउट निकाल लेना और जाके टिक 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 मारना और चिपका लेना दीवार पे, और सिर्फ सोशल साइंस की नहीं सारे सब्जेक्ट्स के डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना एक बार। और ये जो फ्लो मेथड है ना, ये वो चीज है जो टॉपर करता है। इसके बिना एग्जाम देने जाना मतलब कि क्रिकेट खेलने आना, वो भी मोगरी के साथ। मोगरी पता ना क्या होता है, वो जैसे बचपन में हम देखते थे ना कपड़े धुलते थे, आजकल तो वॉशिंग मशीन आ गई, पहले फटफट फटफट फट एक बैट होता था उससे मारते थे। तो अगर तुम क्रिकेट खेलने जा रहे हो उस मोगरी के साथ तो कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। सिमिलरली अगर तुम बिना फ्लो मेथड के एग्जाम देने जा रहे हो तो तुम 99% के आसपास भी नहीं आओगे कहीं,
अभी अगर तुमने फ्लो जितना काम कर लेना जो मैंने उस शीट के अंदर डाल रखा है, तो एग्जाम टाइम में ये सब चुटकियों का खेल लगेगा। मतलब तब ना ऐसा लोड नहीं आएगा कि अरे ये पढ़ना है वो पढ़ना है। वो जितनी भी चीजों पे तुम टिक मारोगे ना, वो पांच पांच दस दस आधे आधे घंटे में बड़े बड़े चैप्टर निकल रहे होंगे भाई तुम्हारे। अब देखो मैं रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले तुम एनसीईआरटी रीड करो जो मैंने उस फ्लो मेथड की शीट में डाल रखा है। एनसीईआरटी रीड करने का तुमको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, मत पढ़ने दो। उसके बाद तुम जाके लेक्चर देखो। अब लेक्चर देखने के बाद फिर तुम्हारी एक्चुअल एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट होगी। अब चूंकि तुम्हारे पास में एग्जाम में थोड़ा टाइम है, अभी नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट मंथ तो एग्जाम है नहीं हमारी फाइनल्स, अभी टाइम है तो हम ये पूरी चीज कर सकते हैं। और ट्रस्ट में मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा हूं कि दिन में 6-6 8-8 10-10 घंटे पढ़ो, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। प्लस अगर तुम ऐसे ऑडियो बुक्स वगैरह सुनते हो तो तुम्हारा इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा, तो तुम्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। ये चीज तुम्हें इंटरेस्टिंग लगने लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले जब तुमने लेक्चर देखा, अब लेक्चर रीड करने के बाद, लेक्चर पढ़ने के बाद, लेक्चर देखने के बाद में, तो अब जो एनसीईआरटी रीड करने में फील आने लगा ना, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होगी। क्योंकि अब क्या होगा कि जो तुम रीड कर रहे हो तुम ऑलरेडी समझ चुके होगे। अभी तक तुम ये जो चार पैराग्राफ पढ़ रहे थे ना, तुम्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था कि क्या लिखा हुआ है। अब तुम खुद इमेजिन करो कि तुम्हें एक अनुपमा की किताब दे दी जाए जिसमें अनुपमा की स्टोरी है, या जो भी तुम सीरियल देख रहे हो, जो भी तुम्हें पसंद है, ठीक है। तो अभी अनुपमा फेमस चल रहा, तो मैंने अनुपमा बता दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं देख रहा हूं अनुपमा, मतलब मेरे पास इतना टाइम, मैं क्या अनुपमा देखूंगा बैठ के यार। तो अब तुम सोचो कि तुम्हें अनुपमा की स्टोरी पहले से पता है। अब वही चीज को अगर मैं किताबों में वर्ड्स के रूप में फॉर्मुलेट करके लिख दूंगा तो तुम्हारे लिए कितना इजी हो जाएगा ना। किताब है क्या भाई, कुछ नहीं, वर्ड्स का फॉर्मुलेशन ही है। हमने जो कहानी थी उसको वर्ड्स के रूप में यहां पर प्रस्तुत कर दिया है। तो अनुपमा को अगर मैं वर्ड्स के रूप में प्रस्तुत कर दूंगा तो तुम्हें मजा नहीं आ जाएगा पढ़ने में। इधर आओ, तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा ही मैं फैमिली सीरियल की बात करने लग गया हूं आजकल? तो अब हमें क्या करना है, हमें अभी एनसीईआरटी पूरी रीड करनी है, फिर हम एनसीईआरटी को पोतना चालू कर देंगे। तो फर्स्ट टाइम हम एनसीईआरटी पूरी डिटेल में रीड करेंगे, और जहां जहां हम डिटेल में रीड करना, जहां जहां हमारा दिमाग चल रहा है कि इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अंडरलाइन करते हैं। अब ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी कैसे रीड करना उसका बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूं मैं, जिसके लिए तुम्हें अलग से वीडियो देखने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। अभी हमने क्या किया, एनसीईआरटी रीड करते रहे, देखो लेक्चर देखने के बाद में हम एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं, बहुत ही डिटेल में रीड करेंगे, और जो भी चीज इंपॉर्टेंट लग रही होगी ना, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, डेट होगी, कुछ भी होगी, उसको पोतना चालू कर देंगे। एक हाईलाइटर लाओ और बिल्कुल उसको रंग बिरंगा, बिल्कुल ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल पूरी पोत दो उसको, जो इंपॉर्टेंट लाइन से, जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको अंडरलाइन करते जाओ। अब वहां से वो जो तुमने चीजें अंडरलाइन की है वो उनके साइड बाय साइड नोट्स भी बनाते जाओ। मतलब खुद के नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो यहां पर मैं तुम्हें नोट्स कैसे बनाना वो भी यहीं सिखाने वाला हूं। नोट्स बनाना खुद के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो अगर तुम नहीं बनाते हो या अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पढ़ले के नोट्स तुम्हारे पास में है, तुम पढ़ले की ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर तुम्हें बहुत इजीली सारे नोट्स देखने को मिल जाएंगे सोशल साइंस के, या वेबसाइट पर भी जा सकते हो पढ़ले की, वो फॉर फ्री में अवेलेबल है। उसके लिए बिल्कुल तुम आराम से जाओ देखो, और ये हम हमेशा से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा महान नहीं बन रहा हूं हर बार कि देखो हम नोट्स लेके आ गए, वो रखे हैं, जिसको यूज करना हो कर लेगा, मुझे फालतू का ये महान बनना वैसे भी पसंद नहीं है, तुमको पता ही है बात। तो हमको ना एनसीईआरटी गधों की तरह नहीं पढ़ना है, हमको एनसीईआरटी स्मार्टली पढ़ना है। तो अब हम एनसीईआरटी एक बार ऐसी रीड करेंगे कि हमें बार बार एनसीईआरटी रीड नहीं करना पड़े। तो जो भी पॉइंट्स तुम वहां पर अंडरलाइन कर रहे हो या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर रहे हो ना, वो अपनी किताब में लिखते हो। और किताब में कैसे लिखेंगे, देख के नहीं लिखेंगे कि हाँ यहां से ये छाप लिया, वहां पर हम यूज करेंगे एक्टिव रिकॉल। ये जो टेक्नोलॉजी हम बड़ी बड़ी शब्द यूज करते हैं ना, इनको मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं। तुमने क्या किया भैया, एनसीईआरटी में दो लाइन पोत दी, अब दो लाइन पोतने के बाद में उनको रीड कर लो अच्छे से, और उनको साइड में रख दो, और उनको बिना देखे एक बार अपने नोट वाली कॉपी में उन चीजों को लिखो, ठीक है। फिर एक बार रिलेट करो कि तुमने क्या सही लिखा क्या गलत लिखा, और जो भी करेक्शन था वो कर दो। इससे क्या होगा, तुम्हारी एक्चुअल वहीं पे लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अब एक बार जब मैं पूरी प्रोसेस कर लेते ना, इसके बाद में तुम्हारा दिमाग खुद चलने लग जाएगा। मतलब तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद बोलेगा कि भाई यहां से क्वेश्चन बन सकता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो अब तुम एनसीईआरटी के अंदर जहां जहां लाइन बना रहे थे, अंडरलाइन कर रहे थे ना, वहां तुम खुद भी लिख सकते हो कि भाई ये जो टॉपिक है इसके ऊपर ये क्वेश्चन बन सकता है। तो तुम खुद क्वेश्चन बना सकते हो, क्योंकि एग्जाम के अंदर डायरेक्टली वो क्वेश्चन नहीं आते हैं। एग्जाम के अंदर कोई भी पैराग्राफ पूछ ले जाएगा और तुमको बोल देंगे इसका मतलब समझाओ। तो ये जब तुम एनसीईआरटी रीड कर लोगे ना अच्छी तरीके से पूरे इंटरेस्ट के साथ में, तब जाके ये चीज काम आएगी। और ना कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बना लेना अपने मन से, कुछ भी शॉर्ट फॉर्म्स बनाना, जो भी बॉक्सेस है ना उनको इग्नोर मत करना। तुमको कुछ भी चित्र बना के याद करना तो चित्र बना के याद करना। तुमने एक अगर सिनेरियो देख लिया, सिनेरियो रीड कर लिया, उसको इमेजिन करना, उससे मान लो सिविक्स का कुछ भी, इकोनॉमिक्स का कुछ भी है, गरीबी के ऊपर बात चल रही, तो आंख बंद करो और देखो कि यार गरीबी फैल रही है और अमीरी फैल रही है और लोग चोरी कर रहे हैं और लोग पैसा कमा रहे हैं, ये सब चीजें विजुअलाइज करो। जब तुम आंख बंद करके विजुअलाइज करते हो ना, तो एग्जाम में यही चीज रिकॉल होती है कि भाई उस टाइम में ये आंख बंद करके ये सोच रहा था, तब जाके तुम्हारे आंसर्स बनेंगे। अब आंसर कैसे याद करना वो बताऊंगा आगे चल के, शांति रखो। और ना इसी के साथ साथ माइंड मैप्स और फ्लोचार्ट बनाने बहुत जरूरी है। मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो पूरा इसी के ऊपर बना रहा हूं कि हम माइंड मैप्स फ्लोचार्ट्स कैसे बनाएं, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख सकते हो। अब एक चीज का ध्यान रखना कि पहले थ्योरी पार्ट जरूर कर लेना, ऐसा नहीं कि पहले ही क्वेश्चन करने बैठ जाओ। हमें अभी उस स्टेट में नहीं है कि एग्जाम दो दिन बाद ही है, तो तब अगर होता तब हम सिर्फ क्वेश्चन करते, पर अभी हमारे पास में टाइम है, अभी हम क्वेश्चन पर डायरेक्ट स्किप नहीं करेंगे, अभी हम पूरा थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे फिर क्वेश्चन पर आएंगे। अब फ्लो मेथड के अकॉर्डिंग मैंने तुम्हें एनसीईआरटी रीड कैसे करना बहुत डिटेल में बता दिया। अब नेक्स्ट चीज बस यही कि अपने नोट्स खुद बना लो या फिर पढ़ लेके नोट्स यूज कर सकते हो।
एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मिस मत करना, पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिस मत करना, इनकी जो लिस्ट है वो तुम्हें जल्दी मिल जाएगी पढ़ने के ऊपर, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, ये दो तीन चीजें जो फ्लो में लिखी वो तो हमें करना ही करना है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि आंसर्स कैसे याद करना है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एग्जाम में नंबर कैसे लाना है उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो जो मैं टेक्निक यूज करता था वो तुम्हें बता देता हूं। अगर लॉन्ग आंसर कोई है तुम्हें याद हो रहा नहीं हो रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें सबसे पहले याद रखना है कि उसमें पॉइंट्स कितने हैं। हम सारे आंसर्स को पॉइंट वाइज याद करना है, हम एक एक करके पूरा पैराग्राफ बना के याद नहीं करेंगे, ठीक है। अब कोई भी आंसर है, लेट्स से कि व्हाट वर द कॉसेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अब उसके मान लो पांच पॉइंट्स हैं, तो पहले तो ये याद रखो कि मैंने जहां आंसर पढ़ा था वहां पर पांच पॉइंट्स लिखे होते हैं, ये दिमाग में पहले तो रिकॉल करो। तुम्हें नंबर ऑफ पॉइंट्स याद होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज तुम एग्जाम में ना बार बार अपने दिमाग को लोड नहीं दे पाओगे कि कितने पॉइंट्स थे कितने पॉइंट्स थे कितने पॉइंट्स थे। वहां पर तुम्हें ये नहीं सोचना है, वहां पर तुम्हें एक्चुअली आंसर लिखना है। तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखेंगे हम कि हमें ये याद हो कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स है। भाई पांच पॉइंट्स थे, हां ठीक है, दिमाग में याद रख लो कि पांच पॉइंट्स थे। अब वहां पर अगर तुम भूल भी जाओगे ना तीसरे पॉइंट पे, तो खुद दिमाग चलाओगे कि यार नहीं, एक पॉइंट और था, एक पॉइंट और था, क्या था वो, ठीक है। हमें एग्जाम में इसलिए तो याद नहीं आता क्योंकि हम बस एग्जाम में रीड करके चले जाते हैं, हमको रीडिंग नहीं करना है, हमको याद करना है। अब अगर मान लो याद भी करना है रटना भी है तो कैसे करना है, सिंपल टेक्निक है। पहले तो नंबर सारे पॉइंट्स नंबर ऑफ पॉइंट्स याद कर लिए, अब जितने भी पॉइंट्स है ना उन सारे पॉइंट्स में एक एक ऐसा कीवर्ड ढूंढो जिससे पूरा आंसर बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉजेज में एक रीजन ये हो गया कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन टैक्सेस, तो इंक्रीज इन टैक्सेस ये जो है ना सिर्फ इतना याद रखो, अब इससे तुम पूरा पॉइंट बना सकते हो ना खुद से। तो तुमको बस ऐसे पांच कुछ फ्रेजेस या कुछ वर्ड्स याद रखने होंगे और उनसे तुम्हारा पूरा आंसर बन जाएगा। तो तुम्हें यहां पर पूरे पांच पॉइंट याद नहीं करने, तुम्हें हर पॉइंट का एक वर्ड ऐसा याद करना है जिसको देख के अगर तुम बस तुम्हें ये वर्ड बोल दिया तो तुम पूरा सेंटेंस बना लोगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम इज आर द एन ये याद करने पड़ जाओ, वो याद नहीं करना भाई। अब एक बार तुमने पूरे पॉइंट्स और सब कुछ याद कर लिया, अब क्या करना है, बार बार रीड नहीं करना उसको बैठ के, तुमने एक बार या दो बार रीड कर लिया उसके बाद क्या करना, आंख बंद करके पूरी चीज को विजुअलाइज करना है कि अच्छा ये सिनेरियो हो रहा है, अब वो कौन से पांच पॉइंट्स है जो मुझे रिकॉल करना है। तो पांचों वर्ड्स याद करो कि अच्छा हाँ, यहां पर ये राजा जो है वो जुल्म कर रहा है, यहां पर ये पब्लिक जो है ये दुकानों में कूद रही है। तो ऐसे कर करके एक दो तीन चार पांच ऐसे पॉइंट्स तुम्हें याद हो जाएंगे, और जब तुम ये चीज कर लेते हो ना तो भाई मतलब तुम एग्जाम में चाहे तो मैं समझ आ रहा हूं नहीं आ रहा हूं, तुम्हारे नंबर आने पक्के हैं, कोई नहीं छीन सकता, भगवान खुद नहीं छीन सकता तुम्हारा नंबर। अब देखो आंसर याद कैसे करना है, सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट कैसे लाना है, पूरी चीज को विजुलाइज कैसे करना है, एनसीईआरटी कैसे रीड करनी है, फ्लो मेथड कैसे करना है, सारी चीज मैंने तुमको बता दी। अब मैं क्विकली तुम्हें सब्जेक्ट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि भाई हिस्ट्री में ये तो करना ही करना है, ज्योग्राफी में तो करना ही करना है। तो सबसे पहले कमिंग टू हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले तुम्हें हिस्ट्री हो चाहे सिविक्स हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, इन तीन या इनफैक्ट ज्योग्राफी के अंदर भी इन चारों की तुम्हें ट्राई करना कि ऑडियो बुक्स तो सुनना ही सुनना है, स्पेशली हिस्ट्री की। हिस्ट्री के अंदर तुम्हें इंटरेस्ट बहुत डेवलप होगा और जेन्युइनली तुम्हें पता होना चाहिए भाई, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिखा और लिख के भूल जाओ। आज ना जब तुम बाद में जब तुम मेरी एज में आओगे जब तुम लोगों से बात करोगे तो स्मार्टनेस सिर्फ तब झलकती है जब तुम्हारे पास में नॉलेज होता है। जिस इंसान के पास नॉलेज नहीं होता है वो स्मार्टनेस नहीं दिखा सकता है, वो भले अपने गली मोहल्ले के चार लड़कों को चार लड़कों को इंप्रेस कर लेगा, पर जब बाहर असल दुनिया में आप भेजोगे ना, जब चार बड़े बड़े लोगों से बात करने बिठाओगे तो क्या बात करोगे कि मैं कपड़े अच्छे पहनता हूं कि नहीं पहनता हूं, तब तो यही बात करोगे ना तुम्हारे पास में ज्ञान कितना है। तो वो ज्ञान एक कंपाउंडिंग फैक्टर में इंक्रीज होता है, तुमने आज एक किताब पढ़ी तुम एक साल बाद दो पढ़ोगे, तुम दो साल बाद चार पढ़ोगे, उसके बाद दस पढ़ोगे, फिर बीस पढ़ोगे, ये ऐसे इंक्रीज होती है चीज। और इसको बिल्कुल लाइटली मत लेना, मैं बहुत रिग्रेट करता हूं और आज भी रिग्रेट करता हूं कि मैंने तुम्हारी एज में ये सब चीजें चालू क्यों नहीं की, और मैंने चाहता कि वो तुम्हारे साथ दियो, इसलिए मैं अपना वो जो चैनल खोल रहा हूं ना वो इसी के ऊपर बेस्ड होगा, हर जगह प्रमोशन करने आ जाता हूं यार मैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री के अंदर ऑडियो बुक सुनना है, दूसरा डेट्स और प्लेसेस, इन दोनों चीजों के लिए हमें चीट शीट बनानी है खुद से। वैसे तो तुम्हें नेट पे मिल जाएगी और पढ़ले पे भी हम डाल देंगे, बट तुम्हें क्या करना है कि खुद से डेट वाली चीट शीट बनानी, क्योंकि खुद की बनी हुई चीट की बात अलग ही होती है। एक बार वो बना ली उसको फाड़ के सामने चिपका लो ताकि तुम्हें दिन भर डेट दिखती रहे। दूसरा इकोनॉमिक्स की बात करें तो बहुत ईजी बहुत स्कोरिंग, इसमें तो कोई लोड लेना नहीं है। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो मैप और ग्लोब पे मार्क कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलता हूं कि एक मैप और एक ग्लोब तुम्हारे रूम में होना ही चाहिए, क्योंकि वो जो तुम्हें ज्योग्राफी बस ऐसा हलवा लगता है ना कि हाँ यार ये टापू यहां पे, ये अरुणाचल प्रदेश में ये है, या फिर ये वाली हिल्स यहां पे, ये वाली हिल्स वहां पे, उससे कुछ नहीं होगा, तुम्हारा दिमाग ही खराब होगा उससे। जब तुम मैप के अंदर एक्चुअली वो चीज विजुलाइज करोगे ना, जब तुम ग्लोब देखोगे और तुम्हें पता चलेगा कि हाँ भाई हमारी धरती इतनी खूबसूरत है, इसमें इतनी सारी चीजें हैं, तब जाके तो इंटरेस्ट डेवलप होगा भाई, वही तो इंटरेस्ट लाना है। एक बार थोड़ा सा एफर्ट करके देखो, ये जो मैं बोल रहा हूं ना ग्लोब वाला, ऑडियो बुक वाला और ये विजुअलाइज करने वाला, ये एक बार ट्राई करके देखो। अगर ये काम नहीं करता ना तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं पार्ट डिलीट कर दूंगा वीडियो के अंदर से। और सिविक्स के अंदर भी सेम, ऑडियो बुक्स, और दूसरा इसके अंदर केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करना कि भाई ये केस अलग अलग टाइप केसेस तुम्हारे पास होंगे तो वो केस बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है।
अब मैं दो प्रो टिप्स देने वाला हूं। सबसे पहली प्रो टिप है जो लास्ट इस वीडियो का कंक्लूजन है वो ये है कि सबसे पहले तो अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है, कोई भी ऐसी चीज है जो तुम्हें बार बार पढ़ने पे भी याद नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रही है, तो उसका एक बहुत सिंपल सा काम करना है कि हमें बस उसका एक वॉइस नोट बना लेना है खुद से। मतलब मान लो तुम कोई चीज रीड कर रहे हो ना, तुम्हें जो भी उस टाइम पे समझा, देखो उस टाइम तो तुम भूलोगे नहीं, पर तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि मैं एग्जाम टाइम तक भूल जाऊंगा, तो बहुत सिंपल सा काम है, बस अपना फोन निकालो, ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो, जो भी तुम्हें समझ में आए वहां पर बक 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 बकना चालू कर दो। ये तुम्हें आज ऐसा लगे कि भैया इसका क्या काम है, बट एग्जाम टाइम में तुम सोचो तुमको वो पूरी बुक रीड करनी ही नहीं है ना, तुम्हें पूरी एनसीईआरटी रीड करनी ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस तुम्हें अपनी ही आवाज को कान में लगा के सुनना है। और दूसरी चीज, हम ना वो जो रैप सॉन्ग लाए थे ना बहुत ही तगड़ी तरीके से, जिस पर तुमने बहुत प्यार दिया, एक दो दिन के अंदर ही 1 लाख से ऊपर ज्यादा व्यूज क्रॉस कर देते हैं, ये जो रेवोल्यूशन हम लेके आए, जो एक्चुअल रेवोल्यूशन है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं कि दो नोट डाल दिया, दो डीपीपी चिपका दिया तुम्हारे मुंह पे तो तुम बिल्कुल रेवोल्यूशन मान लो, वैसा रेवोल्यूशन है, जो एक्चुअल नई चीज इंट्रोड्यूस की हमने, उसको भी हम आगे लेके जाएंगे। अब देखो इन चीजों में टाइम लगता है, ये सारी आर्ट वाली चीजें, तो पढ़ाना, आर्ट, ये सारी चीजें हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, बट हम वो चीज बहुत जल्दी करेंगे। तो भाई ये जो वीडियो था ना, दिस वॉज दी मोस्ट रिफाइंड वीडियो फॉर सोशल साइंस ऑन एंटायर यूट्यूब, एंड मैं ये बोल सकता हूँ वीडियो के अंदर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट होगा या इससे कुछ नहीं होगा या हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ अभी तक मैंने जितने देखे ना उनमें मैंने कोशिश की है कि सब लोगों ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, मैंने कोशिश ये की है कि मैं जितना भी ज्ञान मेरे पास था और सब लोगों ने जो भी ज्ञान दिया है उन सबको एक्यूमुलेट करके बहुत ज़्यादा तगड़ा वीडियो बना पाऊँ, जो कि ये वीडियो तुम्हारी अकेला ये वीडियो तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा, और इससे ज़्यादा तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पढ़ना कैसे है, क्यों है, और कहाँ से लेकर के और कितना पढ़ना है और कौन सी चीज़ पर ध्यान देना है, कौन सी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, वो सारी चीज़ें, इनफैक्ट रटना कैसे, वो भी मैंने तुम्हें इस वीडियो के अंदर बताया है। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा एनरिचिंग रहा होगा। तो पहली बात तो अगर तुम्हें पसंद आया तो मेक श्योर कि प्लीज इसे लाइक कर दो, और एक चीज का ध्यान रखना कि भाई कुकू एफएम के ऊपर जो भी तुम्हारी फेवरेट ऑडियो बुक है, जो भी तुम सुनना चाहते हो, उसको सुनना मत भूलना, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करना, और जैसे तुम कोड डालोगे जस्ट पढ़ ले 50, मात्र ये तुम्हारे लिए 199 में खुल जाएगा, मतलब तुम्हें पिज्जा, एक अच्छा पिज्जा से भी सस्ता है, और साल भर के लिए तुम्हें ज्ञान का भंडार देखने को मिल जाएगा। तो जस्ट पढ़ ले 50 एक कूपन कोड है, इसको लगाना मत भूलना, एक बार ट्राई तो करके देखो तो सही क्या बढ़िया चीज है, ठीक है। तो दैट मींस दैट आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, हम लोग मिलते हैं बहुत ही तगड़े नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और देखो मैं वैसे तो सब्सक्राइब करने के लिए मैंने वीडियो में शुरू में बोला नहीं, बट अगर तुम्हें एक्चुअली कंटेंट पसंद आए तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, अगर नहीं आए तो कमेंट कर देना, हम इंप्रूव जरूर करेंगे, शेयर जरूर करना इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और ऐसे ही हंसते रहो, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।